आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अगर हम बात करें कि आगे मानसून कैसा रहेगा तो उस पर नजर डालेंगे। दो दिन के अंदर ज्यादातर भागों को मानसून कवर कर जाएगा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और के साथ साथ पंजाब के कई इलाकों को कवर कर जाएगा। ये वेदर सिस्टम बने हुए थे जिसके कारण दिल्ली में भारी बारिश हुई थी, उत्तर प्रदेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, पंजाब के ऊपर था, बीच में से ट्रफ जा रही थी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हवाएं थी, यहाँ से पूर्वी हवाएं थी, सबके वेदर इंटरेक्शन के कारण जो था जो बारिश थी दिल्ली में 228 मिलीमीटर बारिश हुई, जो अभी तक की सेकेंड हाईएस्ट 24 घंटे के अंदर होने वाली जून की बारिश है। इससे पहले 28 जून 1936 को 235.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी, यानी कि बहुत पास में ये वाली बारिश पहुंच चुकी थी। आगे मौसम कैसा रहेगा उस पर नजर डालेंगे। अब आप देखिए, तीन साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हैं, एक उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर, एक उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर, एक हरियाणा के ऊपर। ये तीनों का इंटरेक्शन होने वाला है और एक ट्रफ है जो आप देखिए पूर्वोत्तर राज्यों तक जा रही है और एक ट्रफ है जो ये मध्य प्रदेश तक आ रही है और एक दक्षिणी गुजरात से लेकर के केरल के तट तक एक और निम्न दबाव की रेखा बनी हुई है। तो मानसून जो है, जैसे हमने बताया था कि जब ये महीना खत्म होगा तो 10-13% के बीच में मानसून खत्म हो जाएगा। 19% तक की कमी पहुंच गई थी, लेकिन दो दिनों के अंदर जो भारी बारिश हुई है उसके कारण 1 जून से लेकर के 29 जून के बीच में अब आप देखिए मानसून केवल 14% कम रह गया, पहले 19% था। 5% की कमी दो दिनों में ही इसने पूरी कर ली है। और अब अगर देखें तो पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो आप देखिए सभी जगह पर ज्यादा बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल कई जगह पर दिखाई दी है। तो आगे किस तरह से रहेगा इस पर नजर डालेंगे। अभी जो मानसून है वो आप देखिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये विड्रॉल का मैप है, जैसे मैंने बनाया है कि विड्रॉल कैसे होता है। पहले तो जो मानसून जब आगे बढ़ता है तो आपको मालूम है कि मानसून जो है वो 8 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर जाता है, और जब विड्रॉ होना शुरू होता है तो आप देखिए वो जो विड्रॉ होता है वो अगर डेट देखा जाए तो 17 सितंबर से होता है। पहले 1 सितंबर से होता था, अब 17 सितंबर से विड्रॉ होता है और 15 अक्टूबर तक पूरे भारत से मानसून विड्रॉ हो जाता है। तो अभी आज फिर मानसून ने थोड़ी सी प्रगति की है, काफी तेजी से आगे बढ़ा है और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वो पूरा कवर कर दिया है इसने और ये मुरादाबाद तक पहुंच गया है, हरदोई मुरादाबाद वहां तक ये पहुंच चुका है। अब ये धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा और एक ही दिन के अंदर हमें उम्मीद है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पार कर जाएगा और पंजाब और हरियाणा के कुछ और हिस्सों को कवर कर लेगा। पिछले 24 घंटों की बारिश अगर देखी जाए तो आज जैसे मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, तो अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में 154 मिलीमीटर हुई है, चेरापूंजी जो आपको मालूम है मेघालय में 141 मिलीमीटर, अंगोल उड़ीसा में 109 मिलीमीटर, रत्नागिरी कोस्टल महाराष्ट्र में 102 मिलीमीटर, हरदोई में जो दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर 101 मिलीमीटर, हरनई में 100 मिलीमीटर, यानी कि 3 डिजिट का आंकड़ा कई इलाकों में था। कलिम्पोंग, महाबलेश्वर, माथेरान, कलकत्ता में 75%, गोंडिया में 75% बोला हूँ मिलीमीटर, सियोनी में 67, दिब्रूगढ़, दहानू, लखनऊ, धर्मशाला, पिलानी, सतना और ये थाने, कन्नूर, बोलनगीर, गंगटोक, हटवे और कैरापुर और बुल्दाना में भी काफी अच्छी बारिश काफी दिनों के बाद हुई है। तो ये 25 पहले स्टेशन है जिसमें इतनी ज्यादा बारिश हुई है, ये हमने दिखाए हैं। इन्हीं को मैप के ऊपर अगर देखा जाए तो आप देखिए कि जहां पर ये 101 मिलीमीटर है और ये सारे जो बारिश है काफी ज्यादा इलाकों में दिखाई दे रही है आपको। देखो ये गुजरात के दक्षिणी में इलाकों में और जो कोकण एंड गोवा में मध्यम से भारी बारिश, काफी ज्यादा अच्छी बारिश हुई है। मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखे और ये विदर्भ में भी बहुत अच्छी बारिश हुई है, केरल में भी लाइट टू मॉडरेट रेन देखने को मिली है। उसी तरह से नेपाल की पहाड़ियों पर, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इन सारे इलाकों में ये बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल गई है। तो अब आगे मौसम कैसा रहेगा उस पर नजर डालते हैं। तो आज से तो मतलब बारिश थोड़ी इतनी ज्यादा हुई नहीं है, लेकिन 30 तारीख से अगर हम देखें तो जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, वहां पर हल्की बारिश होगी, हिमाचल में मॉडरेट शावर्स होंगे, उत्तराखंड में अगले 2-3 दिनों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में आज बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, खास करके पश्चिमी जिले लगभग सूखे रहेंगे, पूर्वी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, उसके बाद बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ने वाली है। ये जो पिक्चर है सैटेलाइट पिक्चर है, आप देखिए कि जैसलमेर से लेकर के पूरे ये राजस्थान में और ये हरियाणा, ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाकों में, तमाम इलाकों में बादल ही बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ तक ये सारे लगभग सूखे रहेंगे।
24 घंटों के बाद यहां पर भी हल्की बारिश शुरू हो जाएगी और सबसे ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियां हमें उम्मीद है कि मनसा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहब, लुधियाना इन इलाकों में काफी भारी बारिश की गतिविधियां 24 घंटे के बाद शुरू हो सकती है। उसी तरह से अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी अभी सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, हिसार, जिंद, भिवानी ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मानसून थोड़ा सा लेट पहुंचेगा, यहाँ पर बारिश फिलहाल नहीं होगी, बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। दिल्ली के साथ साथ ये 30 तारीख और 1 जुलाई को फरीदाबाद, नूह, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और ये चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी इन इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है कि मुरादाबाद तक पहुंच चुका है मानसून, मुरादाबाद से लेकर के हरदोई होता हुआ ये गया है आगे, तो ये जो इलाका है ये रह गया है, इसमें भी अब बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और अगले 2-3 दिनों के दौरान जो बारिश की गतिविधियां हैं पूरे उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देंगी। जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर ये जो इलाके हैं यहाँ पर कम बारिश हो रही थी यहाँ पर भी बारिश बढ़ जाएगी। पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद और ये बलरामपुर ये जो तराई वाले इलाके हैं यहाँ पर काफी ज्यादा भारी बारिश होगी, बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। और बिहार में अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो लगातार रहेंगी, मौसम सुहावना रहेगा और कम से कम 1 सप्ताह तक यहाँ पर बारिश बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि लगातार होगी, बीच बीच में रुकेगी और लेकिन जो बारिश का मानसून है वो एक्टिव बना रहेगा। और अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में अभी जो हनुमानगढ़, गंगानगर ये जो इलाके हैं, बीकानेर के कुछ इलाके, चुरू, यहाँ पर तो खंड वर्षा होगी, लेकिन बाकी जो इलाके हैं अगर हम देखें तो अलवर, झुंझुनू और भरतपुर, दौसा ये जो इलाके हैं, धौलपुर वगैरह, यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। करौली, सवाईमाधोपुर के इस इलाके में अगले 2 दिनों के दौरान और उसके बाद भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, चुरू, सीकर और जयपुर तक बढ़ सकती हैं। लेकिन जो बाकी इलाके हैं, कोटा संभाग वगैरह, ये बारिश तो देखते रहेंगे, यानी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही ये सारे इलाकों में भी, राजसमंद वगैरह में, भीलवाड़ा वगैरह में अच्छी बारिश होगी। लेकिन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और बीकानेर के पश्चिमी जो इलाके हैं यहाँ पर 5 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, मतलब 4 जुलाई से बढ़ जाएंगी, 5 जुलाई से और ज्यादा भारी बारिश हो जाएगी। और जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां पर तो बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी, लेकिन जो सिंध प्रांत है वहां पर 5 और 6 जुलाई से मानसून पहुंचेगा और वहां पर भी काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगी। अब अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में जो शिफ्टिंग है, पहले क्या है कि आज यहाँ पर बारिश जो पश्चिमी जिलों में ज्यादा होगी, फिर पूर्वी जिलों में, यानी कि लगातार मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। सबसे ज्यादा फायदा अभी अगले 1 सप्ताह में मध्य प्रदेश को होने वाला है, मूसलाधार बारिश होगी कई इलाकों में, जलभराव हो सकता है, यानी कि तेज बारिश की संभावना, ग्वालियर, धमांग में काफी ज्यादा अच्छी बारिश है, बाकी इलाकों में भी मॉडरेट शावर्स लगातार जारी रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी 1 सप्ताह कम से कम मानसून एक्टिव बना रहेगा, सारे छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी 24 घंटे के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, जो 6 या 7 तारीख तक लगातार जारी रहेंगी और काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। उड़ीसा में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 2 दिनों तक तो काफी अच्छी होंगी, उसके बाद जो कोस्टल एरिया जो दक्षिणी इलाका है वहां पर थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, अंदरूनी इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अब गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात में अब जो बनासकांठा, साबरकांठा, महेसाना, पाटन, हिम्मतनगर, अरवली, यानी कि जो पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान तेज बारिश की गतिविधियां हैं। जो भी मानसून की कमी किसान भाइयों को दिखाई दे रही थी वो पूरी हो जाएगी। सौराष्ट्र कच्छ में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी, कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, यानी कि पूरा गुजरात बारिश देखेगा, पूर्वी जो गुजरात है वहां पर बारिश काफी ज्यादा अच्छी दिखाई देगी। अगर हम, जैसे हमने बताया था कि जो ट्रफ बनी हुई है तो गुजरात के जो नवसारी, पंचमहल और ये नर्मदा, तापी, सूरत, वलसाड़ ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश होगी, उसी के साथ साथ पालगढ़, थाने, मुंबई, दहानू, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा इन सारे इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। महाबलेश्वर में भी तेज अच्छी बारिश होगी, पूरे सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और ये नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, यवतमाल, अमरावती इन इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, लेकिन मराठवाड़ा में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी अब कम हो जाएंगी, जो अगले 3-4 दिनों तक थोड़ी सी कम ही बनी रहेगी। अब अगर गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ मानसून तो पहुंच चुका है लेकिन झमाझम बारिश नहीं हुई है, कल बारिश हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 24 घंटे के बाद लगातार रहेंगी और 4-5 दिनों तक कोई भी कमी आपको दिखाई नहीं देगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश होगी, सिक्किम के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में
जो बारिश की गतिविधियां काफी हैवी होंगी। आज भी अरुणाचल प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। मेघालय और असम के पूर्वी जिलों में भी भारी बारिश होगी। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के जो कोस्टल एरियाज हैं आपका बेलगावी से लेकर के उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी और मेंगलुरु, होनावार और कारवार, ये सारे इलाके बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। अंदरूनी जो इलाके हैं वहां पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, यानी थोड़ा सा कमी दिखाई हो जाएगी। और ये तेलंगाना में भी अगले 2-4 दिनों के दौरान बहुत हैवी रेन नहीं होगी, उत्तरी जिलों में ज्यादा होगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, लेकिन रायलसीमा में बारिश की गतिविधियां कम दिखाई देंगी। उसी तरह से तमिलनाडु में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी, बहुत ज्यादा मानसून एक्टिव यहां पर नहीं रहेगा, वीक मानसून कंडीशन बनी रहेगी। और केरल में जो मॉडरेट शावर्स हैं वो लगातार जारी रहने वाले हैं, एक दो जगह पर हैवी स्पेल हो सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ लक्षद्वीप में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो सकता है, भारी बारिश की संभावना है। तो एक सप्ताह जो है वो पूरे भारत के लिए धुआंधार बारिश का होगा। और जो बारिश की कमी है, यानी कि अगले 24 घंटा और बचा है, यानी कि 30 तारीख का जो डेटा आएगा, तो हो सकता है कि जो मानसून है वो 11 या 12 के ऊपर खत्म हो जाए जून के महीने में, लेकिन जुलाई के पहले सप्ताह में ही जो जून का डेफिसिट है वो वॉश आउट हो जाएगा। और उसके बाद जो बारिश है वो काफी अच्छी होगी। जुलाई का महीना पूरे भारत में मानसून के लिहाज से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। स्काईमेट वेदर में अभी मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।